जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 2 साल तक लगातार पदयात्रा कर रहे थे और आज 2 अक्टूबर के दिन अपने संगठन को पार्टी का जो रूप है वो देने की कवायद में वो लगे हैं। हजारों की संख्या में जो पार्टी से जुड़े लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। 1 करोड़ सदस्य के साथ पार्टी बनाने की बात प्रशांत किशोर ने की थी और इस वक्त हम उस आवास में मौजूद हैं जहां प्रशांत किशोर पावर सेंटर बनाकर राजधानी पटना में रह रहे हैं। देखिए ये दृश्य जहाँ पर आज अपने जन सुराज संगठन को पार्टी का रूप देने की कवायद में प्रशांत किशोर लगे हुए हैं, उनका कटआउट और कटआउट के साथ तमाम जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। क्या विजन है प्रशांत किशोर का जो पसंद आ गया? बिहार को बदलने के लिए प्रशांत किशोर ने जो ब्लूप्रिंट रखा है वही पसंद आया और मैं बेंगलोर से चल के आया हूँ प्रशांत किशोर के इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, और आज का दिन बिहार के इतिहास के लिए एक नया सवेरा लेकर के आएगा। बेसिकली बिहार से? मैं बिहार का रहने वाला हूं, बेंगलोर में रहता हूं और प्रशांत किशोर की इस मुहिम को मजबूत करने के लिए मैं बेंगलोर से यहां आया हूं। करते हैं आप? मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ। जी, क्यों प्रशांत किशोर पर भरोसा हो रहा है? प्रशांत किशोर पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं उनके साथ करीबन 2 साल से जुड़ा हूं और मैंने उनको पग पग उनके एक एक बातों को बारीकी से देखा, उनके साथ करीब रहने का मौका मिला। इससे मुझे समझ में आ गया कि आदमी बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही प्लानिंग वाला है और इस आदमी के पास बिहार को आगे ले जाने की बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट है और बिहार के सारे तबकों को, सभी धर्म के लोगों को एक साथ लेके आगे बढ़ने की ताकत है जो हमको भी जोड़ती है और बिहार वासियों को जोड़ती है। मैं अकेले नहीं, बहुत सारे लोग जो बिहार से अन्य क्षेत्रों में बाहर रह के काम करते हैं वो लोग भी जुड़े हैं, मेरे कई सारे विदेश के साथी भी जुड़े हैं। नीतीश कुमार भी पढ़े लिखे हैं, उन पे भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है? नीतीश कुमार पढ़े लिखे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनके साथ जो उनकी मंडली है, आप कैसे हैं इसकी पहचान आप किन लोगों के बीच में? नीतीश कुमार भ्रष्टाचार से लिप्त लोगों के गिरफ्त में है, कोई साफ सुथरा आदमी उनके साथ नहीं है। प्रशांत किशोर के साथ जो मंडली है, जो थिंक टैंक है, वो बेहद ही उम्दा है, चाहे वो बिहार में हो या बिहार से बाहर के लोग हों। आप कहाँ से आए? अरवल से। अरवल से क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर शफीकुर रहमान हुआ। क्या विजन पसंद आ गया प्रशांत किशोर? बदलाव का एक विजन है जो बहुत बेहतर है, जो बिहार के बेरोजगारों के लिए, जो लोग बाहर प्लान कर रहे हैं, प्लान रोकने का जो इनका विजन है वो बहुत पसंदीदा है विजन और सारे लोग इनके साथ हैं। बदलाव होगा? बदलाव बिल्कुल होगा। आप कहाँ से हैं? फुलवारी से, पटना से। क्या नाम हुआ आपका? गैसुद्दीन। क्यों जुड़ रहे हैं? बहुत विचार इनके उत्तम है, A1 क्लास का, यानी इतने नए पुराने ख्याल के होने के बावजूद ही नए लोगों के बारे में इन्होंने सोचा है। बदलाव का इनके पास जो पॉलिसी है वो बेहतरीन है। आप हैं क्या कहिएगा? देखिए सर, हम एडवोकेट भी हैं, बेगूसराय से आए हैं, जनसुराज में जिला सचिव हैं और निश्चित ही जो जनसुराज की मुहिम है, प्रशांत जी की परिकल्पना है, सर्व समाज के हित के लिए और बिहार के हित के लिए है। लोग उब चुका है जाति धर्म की राजनीति जैसे भाजपा करती है, उससे उब चुका है कथा कथित सेकुलर जो अपने आप को कहती है, वो BJP और RSS का डर दिखा के, भूत दिखा के वोट लेता रहा, लेकिन बदले में किसी तरह का कुछ नहीं किया। आज तक मैं 5 बार 6 बार वोट गिराया हूँ, 5 बार करीब, 5 बार में आज तक मैं खुद अपने मुद्दा पे वोट नहीं गिराया, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए वोट नहीं गिराया। आज प्रशांत जी एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आइए और राजनीति कीजिए और अपने मुद्दे की राजनीति कीजिए, हम सर्व समाज को संख्या बल के आधार से आगे बढ़ाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आमना है। मेरा नाम आमना है, मैं दरभंगा जाले से हूँ। जी, अगर अगर यहाँ व्यवस्था मिल रही है परिवर्तन का तो फिर क्यों नहीं परिवर्तन करें? अच्छे यहाँ रोजगार मिलेगा, बच्चे को शिक्षा मिलेगी, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। सर, एक मिनट। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, एक महिला के तौर पर क्या लगता है वो काम काफ़ी नहीं है? नहीं, वो काफ़ी नहीं था। अभी जो मिल रहा है यहाँ पे महिलाओं को, बोला गया है कि विधानसभा में 40 सीट मिलेगी, वो चीज़ पहले नहीं था। अभी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भी है, 4% के लिए व्यवसाय करने के लिए मिलेगा महिलाओं को, तो ये चीज़ पहले नहीं था। इनका ब्लूप्रिंट पसंद आ रहा है? बहुत पसंद आ रहा है और इनसे प्रभावित होके ही हम इसमें करती हैं। आप बस अभी इसी में जुड़े हैं और काम, पहले शिक्षिका थे, अभी इसमें आ गए। प्राइवेट या सरकारी? गवर्नमेंट में ही थे, छोड़ दिए। छोड़ दिए क्यों?
छोड़ दिए हैं, बस इसके लिए छोड़ दिए हैं कि इसमें रह के बिहार के बिहार वासियों के लिए तो कुछ करने का मौका मिलेगा। अगर प्रशांत जी आए हैं तो उनके साथ मिलके हम भी बिहार को बहुत बड़ा रिस्क लिया है आपने। हाँ, बिहार को बदलने के लिए थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। बिहार को बदलने के लिए थोड़ा सा जरूरी है। सरकारी शिक्षक थी और इस्तीफा दे दिया, उसके बाद प्रशांत किशोर के इस मुहिम से जुड़ी हैं। विभिन्न लोग हैं, कई मुद्दे, कई विजन जो है प्रशांत किशोर के, जो ब्लूप्रिंट है प्रशांत किशोर का, वो पसंद आया है। नौकरी की बात करें, रोजगार की बात करें, स्वास्थ्य या शिक्षा की, जो बातें अब तक प्रशांत किशोर ने की है वो पसंद आ रही है। हम चाहेंगे एक बार तस्वीरें देखिए, जो इस वक्त नजर आ रहा है कि बड़ी संख्या में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो पहुंचे हैं और इस मुहिम को आज धार देने की कवायद है। आज नेता परिषद जो है जन सुराज का, वो तैयार होगा, पार्टी का जो स्वरूप है वो तैयार होगा, पार्टी के नाम रखे जाएंगे, पार्टी के पदाधिकारियों का आज नाम जो है वो उजागर किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जिस दो साल के मुहिम में प्रशांत किशोर पैदल चल रहे थे, उसे आज रूपरेखा देने की जो दिन है रखी गई है। कैमरा सहयोगी पंकज के साथ आर्यन आनंद, ABP न्यूज पटना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.